जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज एक और फिर एसएससी जीडी ने एक नई अपडेट दी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक और नई मतलब अपडेट आई है सामने। आप सभी ने, कईयों को पता होगा, कईयों को अगर नहीं पता है तो वो जाके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस अभी अपलोड किया दोस्तों, और इसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यानी जो रीमेडिकल फिट है या मेडिकल फिट है, वो सभी अपने नंबर देख सकते हैं। देखो उस इसमें क्या कहा है, ये पूरी बात आप अच्छे से एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या कहा है, तो मैं आपको पूरा का पूरा नोटिस समझाता हूँ और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं वो सभी इसमें मैं बताता हूँ दोस्तों। कि सेकंड लिस्ट आपकी के लिए आया है, किस कारण से ये नोटिस आया है, इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए वो नोटिस। तो दोस्तों ये अभी एसएससी जीडी की तरफ से जो अभी एक नोटिस आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस नोटिस का क्या महत्व है और क्या इसका फ़र्क पड़ेगा जो एसएससी जीडी में जो कुछ कैंडिडेटों को इसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा कि उनके भी इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया, कई लोगों को जैसे मेरिट से कम नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो गया, क्या रीज़न है। इसीलिए एसएससी जो जीडी स्टाफ है उसने एक नई नोटिस वायरल दिया है कि आप मतलब अपना नंबर देख सकते हो। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए, अपलोडिंग ऑफ फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड ड्राइव में, मतलब उनके जो नंबर अपलोड किए, द फाइनल रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफल जीडी इन असम राइफल इन असम राइफल 2018 हैज बीन डिक्लेयर्ड। 21/1/2021 जो रिजल्ट आया था, 28/1/2021 विच वाज अपलोड ऑन द वेबसाइट द कमीशन ऑन द सेम डेज। नाउ द कमीशन हैज डिसाइडेड टू अपलोड द फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हु वेर डिक्लेयर क्वालिफायर और द अपेयरिंग इन द डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन रीमेडिकल एग्जामिनेशन। यानी सभी के नंबर एक बार वापस से डिक्लेयर कर रही है एसएससी जीडी दोस्तों। जितने भी लोग मेडिकल फिट हुए थे या रीमेडिकल में जो फिट हुए थे उन सभी की, द कैंडिडेट्स मेक चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर पासवर्ड एंड क्लिक द रिजल्ट मार्क लिंक ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month। यानी 1 महीने के लिए आपको ये फैसिलिटी दी गई है। 1 महीने के अंदर अंदर आप मतलब ये जाके अपना चेक कर सकते हो कि आपके कितने एसएससी जीडी में जो रियल मार्क थे, कई लोगों को नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो। फिर भी क्या आपको लगता है कि आपकी मेरिट से ज़्यादा मार्क है या उसकी वजह से आप रह गए हो, तो फिर आप ये इसीलिए उन्होंने दिया है क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है कि उनके मेरिट से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो एक बार आप जाके देखिए पहले कि आपके मेरिट से ज़्यादा मार्क है या कम। अब दोस्तों इसका इफेक्ट क्या, जिनकी ज्वाइनिंग आ गई है क्या उन पे पड़ेगा, या जिनकी ज्वाइनिंग आने वाली है, जिनका सिलेक्शन हो गया क्या उन पे इसका कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कई लोग जनरल के हैं, उनका ओबीसी की लिस्ट में नाम आया, कई ओबीसी के हैं जिनके एससी में आया, कई एससी के हैं जिनके एसटी में आए, तो क्या इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा इसकी मेरिट की वजह से। तो दोस्तों बता दूँ, इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो फाइनल सिलेक्शन है, उनको अब कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस नंबर से एसएससी जीडी ने क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई किसी का भी रिजल्ट गलत नहीं हुआ है। अब इन नंबरों को देखे भी आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट में मिस्टेक है, तो दोस्तों उसके बाद में आप कंप्लेन कर सकते हो स्टाफ सिलेक्शन के खिलाफ कोर्ट में। तो आप एक बार अपना नंबर फिर से चेक करिए, फिर अगर किसी के ज़्यादा कम होता है तो दोस्तों ज़रूर बताइए, मुझे भी बताइए, और आप खुद भी देखिए कि आप मेरिट से आपके कितने नंबर ज़्यादा है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप अपने नंबर एक बार ज़रूर वापस चेक कर ले दोस्तों।